नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीटावर्ट टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, बीटावर्ट टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और बीटावर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि बीटावर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बीटावर्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। बीटावर्ट टैबलेट का उपयोग चक्कर आने की समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा बीटावर्ट टैबलेट का उपयोग मेनियर्स डिजीज होने पर भी किया जाता है। मेनियर्स डिजीज कान का एक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को कानों में कुछ बजने की आवाज आना, कानों की सुनने की क्षमता का कम होना और चक्कर आना आदि लक्षण मेनियर्स डिजीज होने पर हो सकते हैं। मेनियर्स डिजीज आमतौर पर एक कान को ही प्रभावित करता है, लेकिन धीरे धीरे बाद में दोनों कान प्रभावित हो सकते हैं। बीटावर्ट एक ब्रांड नेम है। बीटावर्ट टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन बीटा हिस्टिन होता है। बीटावर्ट टैबलेट 8 mg, 16 mg, 24 mg व 48 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि बीटावर्ट टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। बीटावर्ट टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर बीटावर्ट 8 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। बीमारी की गंभीरता ज्यादा होने पर डॉक्टर बीटावर्ट 16 mg टैबलेट को भी दिन में 3 बार भी लेने की सलाह दे सकते हैं। बीटावर्ट 24 mg टैबलेट को डॉक्टर दिन में 1 बार लेने की सलाह देते हैं। बीटावर्ट टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको बीटावर्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना बीटावर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि बीटावर्ट टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में बीटावर्ट टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में बीटावर्ट टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बदहजमी, सिर दर्द, उल्टी आने का मन होना और पेट में दर्द हो सकता है। बीटावर्ट टैबलेट की वजह से ये साइड इफेक्ट्स ज्यादातर तभी होते हैं जब बीटावर्ट टैबलेट का सेवन खाली पेट किया जाता है, इसलिए बीटावर्ट टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना रेकमेंडेड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि बीटावर्ट टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में बीटावर्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। अस्थमा होने पर और पेट में अल्सर होने पर बीटावर्ट टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए इन कंडीशंस में डॉक्टर की सलाह के बिना बीटावर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीटावर्ट टैबलेट को देना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बीटावर्ट टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बीटावर्ट टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को बीटावर्ट टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं बीटावर्ट टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए बीटावर्ट टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बीटावर्ट टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को बीटावर्ट टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका बीटावर्ट टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।